आज की स्टोरी का नाम है गरीब का क्रिसमस ट्री। बहुत दिनों से एक गरीब परिवार एक गांव में बसता था। उस परिवार में एक छोटा सा बच्चा था जिसका नाम राजू था। राजू का सपना था कि उसका भी एक क्रिसमस ट्री हो, जैसा कि उसने एक फिराखाने के घर में देखा था। एक दिन ठंडी हवाओं में नीली नीली बर्फ गिर रही थी। राजू ने अपनी माँ से कहा, क्या माँ हम भी एक क्रिसमस ट्री ला सकते हैं? माँ ने मुस्कुराते हुए कहा, राजू हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं जिससे हम एक ट्री ला सके। राजू ने फिर से कहा, फिर भी मैं एक कोशिश करना चाहता हूँ। राजू अपने दोस्तों के साथ सुरक्षित रूप से लकड़ियाँ और कच्चे पेड़ के हिस्से लाने लगा। धीरे धीरे राजू ने एक पेड़ को क्रिसमस ट्री की तरह सजाने लगा। राजू ने उस पेड़ को खुद से सजाया और पतंग और रंग बिरंगे स्टार बनाए। क्रिसमस ट्री की रात गांव वाले देखकर हैरान रह गए। राजू ने गरीब होने के बावजूद एक सुंदर सा क्रिसमस ट्री बनाया। उन्होंने समझाया कि क्रिसमस ट्री का अर्थ होता है दिल से देना, ना कि महंगे तोहफे देना। गांव के छोटे मोटे बच्चे बुजुर्ग राजू के क्रिसमस ट्री के आगे इकट्ठा होकर खुशी मनाने लगे। राजू की माँ ने राजू से कहा कि तुमने हमें सिखाया है कि सच्ची खुशियाँ दिल से आती है, चाहे हमारे पास कुछ हो या ना हो। इस गरीबी भरे क्रिसमस ट्री ने राजू और गाँव वालों को अधिक समय बिताने का मौका दिया। इस छोटे से गांव में क्रिसमस की रात सभी की आंखों में आंसू आ गया। वह आंसू खुशी के थे जो दिल से आ रहे थे। इसके बाद हर साल गांव में क्रिसमस की रात सभी लोग प्रेम भाव से क्रिसमस मनाते। इस क्रिसमस के बाद राजू ने समझाया कि सच्ची खुशियां चीज नहीं है जो हमारे जेब से बढ़कर आती है, बल्कि वह दिल से आती है। आप सभी को आज की स्टोरी कैसी लगी, जल्दी से जल्दी कमेंट करके जरूर।